हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल कपल्स रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक चाइनीज रेसिपी जो है बेबी कॉर्न मंचूरियन। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इसे आप एज ए स्टार्टर और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं बेबी कॉर्न, इसको ऐसे शेप में काट लिए हैं। कैप्सिकम, इसको छोटे छोटे काट लिए हैं। ओनियन, स्प्रिंग ओनियन, जिंजर, गार्लिक, कॉर्नफ्लोर, मैदा, ऑयल, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, टोमेटो केचप, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, सब्जी मसाला, रेड चिली पाउडर। सबसे पहले एक बॉल लेंगे, उसमें थोड़ा सा मैदा, कॉर्नफ्लोर, रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी देके इसका एक बैटर बना लेंगे। ये देखिए, बैटर हम लोग का रेडी है। अब हम इसमें ये बेबी कॉर्न डाल देंगे। इसे धीरे धीरे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें ये बेबी कॉर्न डाल के इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बेबी कॉर्न हम लोग का फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के बचे हुए बेबी कॉर्न को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेके गरम कर लिया है। अब हम इसमें ये गार्लिक और ये जिंजर डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम में ही 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, जिंजर और गार्लिक का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ये ओनियन और ये कैप्सिकम डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम में ही 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। ज़्यादातर चाइनीज आइटम हाई फ्लेम में ही ऐसे बनता है, तो इसे हाई फ्लेम में इसलिए सॉटे कर लेंगे थोड़ा सा नरम होने तक। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और सब्जी मसाला डाल देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा इंडियन टेस्ट आ जाए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, कैप्सिकम और ओनियन थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम ये सोया सॉस, रेड चिली सॉस, आप चाहे तो ग्रीन चिली सॉस का भी यूज कर सकते हैं, और टोमेटो केचप डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ग्रेवी के लिए थोड़ा सा इसमें पानी दे देंगे। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा थोड़ा पानी दे सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 30 सेकंड के लिए ही
इसे हाई फ्लेम में सॉटे करते रहेंगे। ये देखिए ग्रेवी हम लोग का रेडी है। अब हम इसमें ये फ्राइड बेबी कॉर्न डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढक के एक मिनट के लिए पका लेंगे ताकि बेबी कॉर्न और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। एक मिनट हो चुका है, अब चेक करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसमें हम ये स्प्रिंग ओनियन डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, ये बस मैं गार्निश के लिए डाल रही हूँ। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ये बेबी कॉर्न मंचूरियन हम लोग का रेडी है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे सर्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल कपल्स रसोई को सब्सक्राइब कीजिए।